चलिए गुड आफ्टरनून, सिट डाउन, जाओ 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 फटाफट। हो गया
ओके चलिए, कल कहाँ तक टॉपिक हमारा हुआ था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्लोरोफिल का डायग्राम हम लोगों ने मेंशन किया था और क्लोरोफिल में देखा था हम लोगों ने कि क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं। ओके, कौन कौन से पार्ट थे क्लोरोफिल के? ओके चलिए बेटा आइए। तो अब देखो, कल हम लोगों ने पिगमेंट देखा था। पिगमेंट का काम है लाइट का एब्जॉर्प्शन करना। पिगमेंट जितना ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है उतना ज्यादा वह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है। इसके लिए दो तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देखते हैं। एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसी को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है यानी लाइट के कौन से वेवलेंथ का सबसे ज्यादा सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के जिस वेवलेंथ में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कोई सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ से रिप्रेजेंट करके यह दिखाना कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट के एनर्जी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों को दो चीज यहां पर देखना है। एक है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एक्शन स्पेक्ट्रम। इसीलिए आपको वो एनसीईआरटी के तीनों ग्राफ को बना के आना है यानी नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, जिससे हमें ये पता चलता है। आप जब ग्राफ अपने अपने ग्राफ को अपने नोटबुक में देखिए, आप इस चीज को देखेंगे कि जो ब्लू वायलेट लाइट है, ग्राफ को देखिए सभी लोग, आप लोग भी उधर के बैच वाले बच्चे भी, जो ब्लू एंड वायलेट लाइट के पास देखिए एंड रेड लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो देखिए हाई होगा, ग्राफ ऊपर की ओर दिखाया होगा। यानी कि ब्लू वायलेट लाइट का और रेड लाइट के वेवलेंथ वाले लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और इसीलिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम है यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें आप नोट देखना कि जिस लाइट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है यानी ग्राफ जो है ऊपर की ओर गया है उसी रेंज में यानी उसी लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ भी ऊपर की ओर है। और जैसे ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है तो उसका यानी उस लाइट में फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम होता है। तो लाइट के जिस वेवलेंथ को कोई सब्सटेंस, तो कोई सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? पिगमेंट। तो पिगमेंट लाइट के जिस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना उसको हम लोग कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करना कि कौन से लाइट का कोई सब्सटेंस ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो जो आपको ग्राफ है वो ग्राफ तीनों के तीनों ग्राफ इसी के बेसिस पर हैं। अब दीजिए थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक कोई भी एक।
दुनिया ही बैठी है। बुक की ज्यादा जरूरत कुछ नहीं है, यहाँ पर बस कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए यही जो है यहां पर एक जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, यानी जब वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है वहां पर एब्जॉर्प्शन सबसे हाई है, और इसीलिए ये अगर एब्जॉर्प्शन का है तो ये जो है वह एक्शन का है। एक्शन कहने का मतलब रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस वह इस बात को इंडिकेट करता है कि देखो ये लाइट रेड कलर के लिए है एब्जॉर्प्शन, और यहां पर जो ग्राफ है वह ब्लू वायलेट लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा मैक्सिमम या तो ब्लू वायलेट लाइट में होगा या फिर रेड लाइट में होता है। अब पहले लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखते हैं पहले, इट इज कर्व, या एक कर्व है, इट इज कर्व ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ It is curve of absorption of wavelength of light by a substance. The maximum absorption. The maximum absorption occurs in blue violet and red light. अब आइए एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या कहता है,
फिटेज कर्व फॉर फिटेज कर्व फॉर शोइंग दैट रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक्शन स्पेक्ट्रम इज क्लोजली रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम closely related to absorption spectrum, that is maximum photosynthesis occurs in red light and in blue violet light. Least photosynthesis occurs in green light. सबसे कम rate of photosynthesis green light में होता है, क्योंकि पिगमेंट का कलर भी कैसा है, ग्रीन है। तो यहां पर मेन रूप से यानी जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट ग्राफ है वो अलग अलग पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया है, कैरोटेनॉइड का, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का। ग्राफ जब आप देखेंगे तो उसमें रिलेशन दिखाया है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कौन कम एब्जॉर्ब करता है। कैरोटेनॉइड का मतलब कैरोटीन एंड जैंथोफिल, दो अलग अलग पिगमेंट है, कौन कौन, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कल भी हम लोग देखे थे कैरोटीन एंड जैंथोफिल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन का। कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56 और जैंथोफिल का फॉर्मूला C40H56O2। अलग अलग जगह पे ओ का और नंबर भी बढ़ जाता है, जैसे फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन में O6 हो जाता है, जो कि ब्राउन एल्गी में ज्यादा देखने को मिलता है, कौन, फ्यूकोजेंथीन। और वही जो येलोइश कलर ऑफ फॉलिएज, यानी कोई प्लांट से फॉलिएज निकलता है ग्रो करने के बाद, वो स्टार्टिंग में येलोइश कलर का दिखाई देता है, येलोइश कलर ड्यू टू द जैंथोफिल। तो वहां पर जो कंपाउंड है यानी जैंथोफिल का जो एग्जांपल वो है ल्यूटीन, क्या नाम है उसका, ल्यूटीन, और ल्यूटीन का फार्मूला C40H56O2 हो जाता है। तो O का नंबर वेरी करता है, कहने का मतलब मुझे ये है, बट तो इसीलिए जैंथोफिल को दूसरा क्या बोल सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं आप, ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन। क्या बोल सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन, अगर जैसे ही ऑक्सीजन आ जाता है तो कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैंथोफिल में, तो इसलिए उसका दूसरा नाम ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन भी बोल सकते हैं जैंथोफिल को। तो ये एक बात हो गई यहां पर, तो ये बात समझ लो कि सबसे ज्यादा और कैरोटीनॉइड या तो अकेले होते हैं, तो अकेले अगर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, तीन तरह के होते हैं ना भाई। तो जब कैरोटेनॉइड अकेले होते हैं एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोफिल के साथ
यानी क्लोरोप्लास्ट में एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, तो वो ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बैलेंस करते हैं जैसे क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में यही दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, या तो क्लोरोफिल नहीं तो कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल 5 टाइप्स के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और ई जो होता है वह रेयरली होता है। अब ए को यूनिवर्सल बोलते हैं और बी को, बी जो है वह सभी हायर प्लांट में होते हैं, समझ गए। और क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी जरूरी नहीं है कि सभी के क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। जैसे बी किसमें मिलते हैं, सी किसमें मिलता है, ब्राउन एल्गी में, डी किसमें मिलता है, रेड एल्गी में, समझ गए बात को। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है वहां पर क्लोरोफिल ए तो कंपलसरी ही होगा और उसके साथ साथ क्या होंगे, क्लोरोफिल बी भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्गी में नहीं होगा, सभी एल्गी में होता है, यानी जितने भी ग्रीन एल्गी है सब में तो बी होगा ना, बस ब्राउन एल्गी को छोड़ के और रेड एल्गी को छोड़ के। तो क्लोरोफिल बी इज द एसेसरी पिगमेंट एंड कैरोटेनॉइड इज आल्सो एसेसरी पिगमेंट। अब समझ गए यहां तक की बात को, एक बार रिविजन। अब चलिए देखिए, अब हेडिंग दीजिए फोटोसिंथेटिक यूनिट। नाउ योर हेडिंग इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट। ये हुआ हेडिंग दिया, अब देखो क्या है भाई फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट का मतलब हुआ कि बेटा फोटोसिंथेसिस कराने वाला यूनिट। अब हमें एक बार पीछे की बातों को फिर से रिवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब पीछे की बातें कौन सी रिवाइंड करनी पड़ेगी, चलिए रिवाइंड करने के लिए मैं नहीं, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, आप लोग हैं यहाँ पर। अब बता बेटा थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्स, वो चारों कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। हाँ यस, यानी PS1 और PS2 नो सिंगल वन बाय वन। आपको अगर जिसको लगता है कि यस आई नो वेरी वेल, वो हाथ उठाइए, मैं उनको मौका खुद दूंगा। एनीवन वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल गिव यू, एनीवन, यू कैन एलिबरेट बेटर देन हर, प्लीज टेल मी, एनीवन, यस ठीक है। क्या क्या बोला आपने, एक ही चीज है साइटोक्रोम, हमने बताया था ये साइटोक्रोम B6F बोलते हैं इसको, समझे ना, क्या बोलते हैं साइटोक्रोम B6F, इसी को शॉर्ट में CYT B6F लिखा था। एंड थर्ड वन, फोर्थ वन इज कपलिंग फैक्टर, जिसको हम लोग दूसरा नाम CF0 CF1 कहते हैं, क्या बोलते हैं CF0 CF1। ओके अब समझ गए बात को, चलिए बेटा बैठिए। अब यहां पर जो आप PS2 PS1 पढ़ा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स टर्म कब देते हैं किसी चीज के लिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड तब देते हैं
जब वह कोई एक अकेला चीज नहीं है, कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, यानी किसी एटम का मॉलिक्यूल का ग्रुप है वहां पर जो सभी आपस में। अब जैसे इसको हम क्लास कब बोलते हैं, क्लास का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, समझ में आई बात। उसी तरह कॉम्प्लेक्स जो वहां पर लिखे हैं, फोटो सिस्टम यानी कि जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, मतलब कि उसमें पिगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का ग्रुप है। क्या है, पिगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का ग्रुप है, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स टर्म दिया है। जैसे साइटोक्रोम B6F, ये भी कॉम्प्लेक्स, यानी साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम बी का भी ग्रुप होता है, 1, 2, 3, 4, 6 तक जाता है, इसीलिए उसमें से कुछ एसोसिएटेड होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ जुटे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6F। अब जैसे दूसरा चीज देखो, कपलिंग फैक्टर यानी F0, F1, यह भी एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट यानी मेम्ब्रेन से बाहर की ओर होता है और दूसरा पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर की ओर होता है, यानी इसमें भी बहुत सारे पार्ट बटे होते हैं, α1 β1, उतना आपको नहीं जानना है, जब आप आगे जाओगे तब जानना है, इसीलिए सिर्फ सिंपलेस्ट वे में बस इतना याद रखो कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर ATPase होता है जो ATP बनाने का काम करता है, उसी तरह बेटा इसमें साइटो जो कपलिंग फैक्टर है वह भी ATPase के जैसा ATP बनाने का काम करता है। तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स नाम इसीलिए दिया गया। अब यहां पर समझो बेटा कि ये जो PS1 और PS2 ये दो अलग अलग टाइप हैं और दोनों थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। अब PS1 कहाँ होता है, जल्दी से बताइए कहाँ होता है, नॉन एप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, यस, ऊपर वाला पार्ट कहने का मतलब कि जब दो थैलाकॉइड आपस में रखे हुए होते हैं तो दोनों बीच में दोनों के मेम्ब्रेन आपस में जुटे हुए हैं, तो इसीलिए वो क्या हो गया, एप्रेस्ड, और सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट यानी वो अकेला मेम्ब्रेन है, तो इसलिए क्या हो गया, वो नॉन एप्रेस्ड। और यही हाल स्ट्रोमा के थैलाकॉइड में है, यानी वहां पर ग्रैनम के जैसा थैलाकॉइड आपस में नहीं जुटे, यानी वहां अकेला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, नॉन एप्रेस्ड, क्या होगा, नॉन एप्रेस्ड। और नॉन एप्रेस्ड रीजन में क्या होता है, कौन सा, PS1, और एप्रेस्ड रीजन में PS2। दिमाग में घुसा ये बात, सोते भी रहो तो ऐसे बड़बड़ाते रहो, PS1 नॉन एप्रेस्ड में, PS2 नॉन, ये एप्रेस्ड में, ये आना चाहिए सपना में भी, ठीक है। अभी कोई गाड़ी घोड़ा घूमना, लंदन जाना है, ब्रिटेन जाना है, ऐसा कोई सपना नहीं देखेगा, सिर्फ आपके सपने में भी एक ही चीज आना चाहिए, PS1 PS2 फोटोसिंथेसिस, समझ में आई बात। चलिए अब आगे, तो अब पहले जब वो सब बातों को रिवीजन कर लिया है तो द फोटोसिंथेटिक यूनिट का मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, अब ये जो ग्रुप है पिगमेंट के मॉलिक्यूल का लगभग कितना बेटा, तो लगभग 250 से 400 यानी 250 टू 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल के ग्रुप को हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसी फोटोसिंथेटिक यूनिट का दूसरा नाम है क्वांटाजोम, और इसी का दूसरा नाम है PS1 और PS2। बस ये डिफरेंस क्या है PS1 और PS2 में, कि PS1 एप्रेस्ड रीजन में होता है, सॉरी PS1 नॉन एप्रेस्ड रीजन में और PS2 एप्रेस्ड रीजन में होता है, और दोनों ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। इसके साथ साथ अब याद करो, मैंने बताया था द कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम, तो इस फोटो सिस्टम में यानी कि इसके पास
कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को कैरी कराने वाला मॉलिक्यूल, याद आया, रिएक्शन सेंटर, एंटीना, ये सब टर्म यूज किए थे हम लोग। अब वही चीज यहां पर देखना है। देखो बेटा, कहते हैं कि एक रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। अब मान लो कि यह एक रिएक्शन सेंटर है, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, बोलते चलो मेरे साथ, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। अब इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ लगभग 200 से 250 तक, कितना, 200 से 250 तक क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए या बी या कैरेटिनॉइड के पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं और कैरेटिनॉइड के पिगमेंट होते हैं। अब इस तरह से इसके चारों तरफ ये पिगमेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये भी पिगमेंट का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन अब मैं बताता हूं। जैसे मान लो बेटा, इस क्लास में, पूरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, और उसमें से किसी एक बच्चे को मैंने सीआर बनाया। सीआर समझते हो? क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर, ठीक। दूसरे को वाइस मॉनिटर बना दिया, ये वाइस मॉनिटर समझते हो ना, वाइस प्रिंसिपल, तो दूसरे को वाइस मॉनिटर बना दिया या वाइस सीआर बना दिया। अब समझो उसी तरह से तो बाकी के 48 स्टूडेंट भी तो है ना इसमें, तो जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का पार्ट है, दिस इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और कितना, तो डाइमर ऑफ यानी क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल होते हैं, और बाकी के मॉलिक्यूल पिगमेंट के इसके चारों तरफ फैले होते हैं। इस मॉलिक्यूल को यानी ये सभी चारों तरफ फैले हुए होते हैं इस तरह से। अब समझ रहे हैं बात को? अब ये लोग करते क्या हैं? तो इसी मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं? एंटीना। एंड दिस इज द रिएक्शन सेंटर। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये सनलाइट है, सुबह का टाइम है, ये सन है हमारे, ठीक, ये सन जो है थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, है ना। तो जब सन का रे आएगा तो सन का रे सभी मॉलिक्यूल पे पड़ेगा, एक साथ सभी मॉलिक्यूल पे जाएगा ना भाई, अगर लीफ है तो लीफ पे डायरेक्ट सनलाइट आएगा, तो सब जब सनलाइट आएगा लीफ के ऊपर तो उसके ऊपर जितने भी पिगमेंट है सबके ऊपर सन रे गया, तो ये सभी मॉलिक्यूल जो है अब लाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे मुझे किसी का नोटबुक पूरे क्लास का चेक करना है तो मैं क्या कहूंगा, जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बोलूंगा सभी का नोटबुक कलेक्ट कर लो, सभी का नोटबुक कलेक्ट कर लो। तो उसने सभी का नोटबुक कलेक्ट किया, किसने, सीआर ने, यानी कि ये जो है ये सभी के एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को अपने पास बुलाएगा। कैसे, तो देखिए लाइट को ये सभी एब्जॉर्ब करते हैं एक साथ, लेकिन ये सभी जो हैं उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के पास, और ट्रांसफर करते करते फाइनली जो एनर्जी है वो पहुंचता है रिएक्शन सेंटर। कहां पहुंचेगा? रिएक्शन सेंटर में। ये देखो, ये फाइनली एनर्जी जो है वह पहुंच गया है बेटा रिएक्शन सेंटर पे। अब जब सब जगह से एनर्जी आ जाएगा रिएक्शन सेंटर में पहुंचेगा, तब ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, यानी ये एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होकर के ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले जाकर के किसी दूसरे सोर्स को देगा, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापिस, यानी कि जब एनर्जी लेगा तो यह एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और फिर जब कॉमबैक होगा, यानी एनर्जी दे दिया यहां पर, एनर्जी को रिलीज किया, तो ये कॉमबैक आकर के
ये स्टेशनरी स्टेट में या रिलैक्स स्टेट में वापिस आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, अब यहीं पर अभी समझेंगे भाई, बहुत सारी बातें हैं। तो जब एनर्जी यहां पे ट्रांसफर होती है, अगर H2O है तो H2O को यह ब्रेक डाउन कर देता है। H2O को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन यानी दो प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और यही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होके चला जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसे आप कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होता है और CO2 प्लांट लेता है। तो वो O2 कहां से आया, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ H2O। अब ये जो H2O टूटा है, इसका हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसपोर्ट होकर के थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन से फाइनली जाते हैं एस्ट्रोमा में, किसमें? ओके, कुछ नहीं दिख रहा है। ओके ओके ठीक। अब बताइए इनको मैं ब्लैक से कैसे बनाऊं? ये अच्छा है, तो यहां पर ये समझ लीजिए कि रिएक्शन सेंटर का मतलब कि डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, यानी किसी भी फोटोसिंथेटिक यूनिट में, पहले चलिए फोटोसिंथेटिक यूनिट, तो किसी भी फोटोसिंथेटिक यूनिट में बेटा दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा पार्ट होता है हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल, और हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अगर PS1 का फोटोसिंथेटिक पढ़ रहे हैं तो उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं LHC1, अगर PS2 का देखेंगे तो उसको बोलेंगे LHC2, समझे? चलिए अब लिखना चालू कीजिए, ज्यादा समझाने से बात ऊपर से निकल जाती है, दिमाग में टिकती नहीं है। मुझे भी खांसी होने लगती है, और अभी के टाइम पे किसी को जुकाम है, किसी को खांसी आ रही है, तो लोग इसे इंसान कम और कोरोना ज्यादा समझते हैं, और आजकल इंसान से ज्यादा लोग कोरोना से ही डरने लगे हैं। तो इसीलिए आजकल तो कहीं बाजार में निकले भी तो खांसी आती भी है तो रोकना पड़ता है, कि सब करने का लेकिन खांसने और छींकने का नहीं। और अगर कहीं ट्रेन में बस में जा रहे हो, अगर आपको सीट लेना है तो बस खांसना स्टार्ट कर दो, अपने आप सीट मिल जाएगी। चलिए, कौन खांसा रहे अभी? जुकाम भी है, ठीक भी हो गया? पहले बताना चाहिए था ना। हाँ, तो बताना चाहिए ना कम से कम रे बाबा। लिखिए फोटोसिंथेटिक यूनिट में ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इन विच हैज टू पार्ट, इन विच हैव टू पार्ट, ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेटिक यूनिट में डैश दीजिए और लिखिए ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, हो गया, उसी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूनिट कहते हैं, और उसमें आगे फिर कंटिन्यू लिखिए इन विच हैज टू पार्ट, वन इज रिएक्शन सेंटर, एंड अनदर इज हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल, अनदर इज हार्वेस्टिंग
मॉलिक्यूल, तब लिखेंगे। रिएक्शन सेंटर इज डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर इज डाइमर ऑफ DIMER, डाइमर ऑफ, रिएक्शन सेंटर इज डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच इज सराउंडेड बाय अबाउट 200 to 250, which is surrounded by about 200 to 250 various pigment molecule bracket में कीजिए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरेटिनॉइड, various pigment molecule यानी वो various pigment molecule कौन होंगे, तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड के तो दोनों हो गया, विच इज सराउंडेड बाय वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल, दैट पिगमेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एंटीना। which is associated with protein complex then it is called अब ये क्या कहलाता है, तो then it is called light harvesting complex LHC ब्रैकेट में कीजिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हो गया, तब लिखेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू पार्ट दैट इज, अब इसी को मेन रूप से एंटीना कहते हैं, दैट इज एंटीना मॉलिक्यूल एंड कोर मॉलिक्यूल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू पार्ट, या क्या लिखे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज टू पार्ट लिखे ना, दैट इज एंटीना मॉलिक्यूल एंड कोर मॉलिक्यूल। अब लिखेंगे एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, various wavelength of light but shorter than reaction center फुल स्टॉप हो गया, तब लिखेंगे एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट टू गेट एक्साइटेड अ स्टेट
एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू कोर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू कोर मॉलिक्यूल एंड कम बैक इन ग्राउंड स्टेट एंड कम बैक इन ग्राउंड स्टेट एंड कम बैक इन ग्राउंड स्टेट वेयर एज द कोर मॉलिक्यूल ट्रांसफर देयर एनर्जी टू The core molecule transfer their energy to reaction center. Transfer their energy to reaction center. हो गया ये बात. चलिए इतनी सारी बातें लिखी, हो सकता है उसमें एक दो बात आपको ना समझ में आया हो अभी भी. ठीक, देखिए सभी लोग देखिए इधर. स्टार्टिंग में हमने क्या बातें लिखी बेटा, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? फोटोसिंथेटिक यूनिट के हमने बोला दो पार्ट हैं. क्या है? दो पार्ट हैं. इसके दो हिस्से होते हैं. तो यहां पर लिखा हमने टू पार्ट. एक पार्ट का नाम क्या है? रिएक्शन सेंटर. इसी का दूसरा नाम है फोटो सेंटर. क्या नाम है? फोटो सेंटर. और दूसरे पार्ट का क्या नाम है? हार्वेस्टिंग. मॉलिक्यूल है ना, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल. तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होगा, तो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होगा? प्रोटीन भी होगा. तो यही हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जब आपस में मिले तो इसी का अब नाम क्या पड़ गया? LHC कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, LHC1 और LHC2. LHC1 कहां होता है? PS1 में. और LHC2 कहां होता है? PS2 में. अब आइए इधर, तो वो तो डिफरेंस की बात हो गई. तो एलएससी मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं. अब एलएससी मॉलिक्यूल के टू पार्ट कौन कौन? एक पार्ट का क्या नाम है भाई? एंटीना मॉलिक्यूल. और दूसरे का नाम क्या है? कोर मॉलिक्यूल. कोर को इधर लिखता हूं, उसका वजह बताता हूं. एक पहले लिखेंगे इधर कोर मॉलिक्यूल, और दूसरे का नाम क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल. अब एंटीना मॉलिक्यूल क्या अब्जॉर्ब करेगा? लाइट को सभी अब्जॉर्ब करेंगे. तो जो लाइट अब्जॉर्ब करता है एंटीना मॉलिक्यूल, यानी कि अच्छा रेड कलर दिखेगा नहीं ना, लाइट. अब एंटीना मॉलिक्यूल अब किस स्टेज में आएगा? एक्साइटेड स्टेट में. और यानी एक्साइटेड एंटीना मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कहां? कोर मॉलिक्यूल. तो यहां पर ट्रांसफर देयर एनर्जी टू कोर मॉलिक्यूल. और कोर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब कोर मॉलिक्यूल किसको ट्रांसफर करेगा? रिएक्शन सेंटर को.
ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। जो इतना लंबा चौड़ा सारा बात लिखे हैं बस इतना में ये हो गया, सारी बातें एक जगह यहां पर हो गई। दिखा दीजिए इसको एक ब्रैकेट करके बना के, हो गया पूरा काम कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। चलो और ये बात मैं आपको लिखाया हूँ, उस बात को अंडरलाइन कीजिएगा कि एंटेना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट बट शॉर्टर देन रिएक्शन सेंटर। एंटेना मॉलिक्यूल वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन उस लाइट का वेवलेंथ, जो लाइट रिएक्शन सेंटर जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है उससे छोटे वेवलेंथ वाले लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, उससे ज्यादा वाले को नहीं। तो इसका नाम रिएक्शन सेंटर ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जो पिक होता है या तो 680 नैनोमीटर होता है नहीं तो 700 नैनोमीटर होता है। जब 680 नैनोमीटर होगा तो उसको कहेंगे PS2 और जब 700 नैनोमीटर होगा तो उसको कहेंगे PS1। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर ही नाम पड़ा है PS1 PS2।
और जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसको बोलेंगे PS1, उसका नाम PS1 दिया गया, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसको दिया गया नाम PS2। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी के ऊपर नाम पड़ा, 1 और 2 जो दिया गया वो जिसकी पहले हुई वो PS1, जिसकी बाद में उसको PS2 कह दिए। यहां तक की हो गई बात। चलिए एक डायग्राम बनाएंगे। नहीं दिख रहा? अच्छा मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना? उधर बोल, आवाज तो पूरा क्लियर जा रही है ना सबको? ठीक है, ठीक। देखिए इसमें लिखना है डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, DIMER, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए। और जो डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए है तो इसी को कहते हैं रिएक्शन सेंटर, यानी दिस इज रिएक्शन सेंटर। अब इसमें लाइट का कैसे ट्रांसफर होता है वही हम लोगों को देखना है। यानी यहां पे ये हो गया लाइट, तो सनलाइट आ रहे हैं सभी मॉलिक्यूल के ऊपर, सभी मॉलिक्यूल अपने लाइट को ये ट्रांसफर करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल है वह लाइट को ट्रांसफर करेंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। तो दिस इज
एंटीना, यानी ये जो हुआ वह एंटीना मॉलिक्यूल एंड दिस इज रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह से लाइट का ट्रांसफर होता है एंटीना से रिएक्शन सेंटर की तरफ बाय द रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। ये आया लाइट का रेजोनेंस, यानी सिंपल वे में कहें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांस एक्साइटेड स्टेट में आ करके, इसमें भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, सिंगलेट ट्रिपलेट डबलेट सब इलेक्ट्रॉन का वो आपको नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, इतना पढ़ लीजिए यही काफी है। हो गया बेटा ये, चलिए अब हेडिंग दीजिए फोटो सिस्टम। नाउ योर हेडिंग इज ब्लैक का इंक कम हो गया है। फोटो सिस्टम देख रहे बाबू, बुक तेरा जरा बीच में और कुछ तो छूटा नहीं है। एंटीना मॉलिक्यूल दिखाया, रिएक्शन सेंटर दिखाया, कोर मॉलिक्यूल नहीं ना लिखे, जो रिएक्शन सेंटर के आप लोग भी सुन लीजिए, जो रिएक्शन सेंटर के जस्ट सटे हुए जो पिगमेंट के स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल दिखाया है दैट इज द कोर मॉलिक्यूल, उसको कोर मॉलिक्यूल दिखा के दिखा दीजिए, यानी देख लीजिए इस तरह से, यानी ये हमने इसको रिएक्शन सेंटर बोला था और यहां पर वाला जो मॉलिक्यूल है इसके जस्ट यहां पे सटे हुए इसी को बोलते हैं कोर मॉलिक्यूल, और बाकी जो पूरा पार्ट था दैट इज एंटीना। तो बस कोर मॉलिक्यूल दिखा दीजिए, यहां पर देखा तो याद पड़ गई। चलेंगे हेडिंग दीजिए, कमजोर आदमी है रे भाई, उम्र हो चुका है काहे कलेजा, लिखिए। तो
फोटो सिस्टम, फटाफट इसको लिखेंगे अब हम लोग। कोर मॉलिक्यूल भी दिखा दिया आपने, तो देखो तो फोटो सिस्टम ही जो है दैट इज द, अभी जो हम लोगों ने पिगमेंट फोटोसिंथेटिक यूनिट जो पढ़ा है, तो यही फोटोसिंथेटिक यूनिट आर अकर इन टू डिफरेंट ग्रुप। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट ही दैट इज द फोटो सिस्टम है, लिखेंगे इस चीज को फोटोसिंथेटिक यूनिट अकर्स इन, फोटोसिंथेटिक यूनिट अकर्स इन, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, फोटोसिंथेटिक यूनिट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट फोटो सिस्टम, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, दैट इज फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। तब लिखेंगे फोटो सिस्टम वन इज बेस्ड ऑन, नहीं सॉरी एक मिनट, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू हो गया, देयर नेम इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी, देयर नेम इज बेस्ड ऑन, देयर नेम इज बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी, यानी इनके डिस्कवरी के बेसिस पर ही इनका नाम पड़ा है, देयर नेम इज बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी हो गया। अब लिखेंगे फोटो सिस्टम वन, तब आइए फोटो सिस्टम वन, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम वन के बारे में लिखेंगे, लिखिए फोटो सिस्टम वन यानी पीएस वन अकर्स ऑन, अकर्स ऑन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड, पीएस वन अकर्स ऑन नॉन अप्रेस्ड अकर्स ऑन नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड एंड ऑन एस्ट्रोमल थैलाकॉइड, एंड ऑन एस्ट्रोमल थैलाकॉइड। तो पीएस वन दोनों जगह होता है, एस्ट्रोमल थैलाकॉइड में भी और ग्रेनल थैलाकॉइड में भी, लेकिन ग्रेनल थैलाकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, क्लियर। तब लिखेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज मोर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज मोर एज कंपेयर टू कैरेटिनॉइड, एज कंपेयर टू कैरेटिनॉइड, किसके कंपेयर में, तो कैरेटिनॉइड के कंपेयर में, यानी कैरोटीन एंड जैंथोफिल के मॉलिक्यूल कम होंगे और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। अभी यही पीएच टू अगर जब लिखाऊंगा हमें, तो वहां पे बोलूंगा कि कैरोटीन एंड जैंथोफिल यानी कैरेटिनॉइड के मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल से, मतलब इसमें क्लोरोफिल वन ए और बी ज्यादा होते हैं और कैरेटिनॉइड थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा का भी डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए क्लोरोफिल ए एंड बी का अगर 100 मॉलिक्यूल है, तो कैरेटिनॉइड का इसमें एज कंपैरेटिवली 95 या 90 मॉलिक्यूल होंगे, बस इतना ही का डिफरेंस होता है, यानी 5 to 10% से ज्यादा का नहीं।
तो बस इसीलिए उसको लिखे हैं कि एज कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कैरोटीनॉइड, तो थोड़ा ए और बी के मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होते हैं। अब फोटो सिस्टम वन में क्या क्या होता है भाई, तो फोटो सिस्टम वन में भी रिएक्शन सेंटर होगा, एंटीना होगा, एंटीना कहने का मतलब एलएससी वन, क्या होंगे एलएससी वन होंगे, रिएक्शन सेंटर होगा एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होंगे। जब पीएच टू में आएंगे तो उसमें भी रिएक्शन सेंटर होगा, एंटीना होगा, एंटीना मतलब एलएससी मॉलिक्यूल होगा, तो एलएससी टू हो जाएगा वहां पर, रिएक्शन सेंटर हो जाएगा वहां पर, ठीक है, और कैरियर मॉलिक्यूल भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल भी हो जाएगा वहां पर। लेकिन एक एडिशनल चीज वहां पर होता है और वो है ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी पीएच टू में ही मैंने आपको बताया था कि H2O का ब्रेकडाउन होता है, बिना पीएच टू का H2O का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, तो वहां पर ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए H2O वहीं पर पीएच टू में ही ब्रेकडाउन होगा। समझ में आ गई बात, लिखेंगे अब। लिखेंगे पीएस वन कॉन्सिस्ट रिएक्शन सेंटर एलएससी वन and some electron carrier all are based over membrane protein, सभी जो होंगे वो membrane protein के ऊपर ही होंगे, यानी उसी के साथ associated होंगे, तो इसीलिए लिखिए all are based over membrane protein। लिखेंगे द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस वन हैज डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड देयर पीक एब्जॉर्प्शन इज And their peak absorption is 700 nanometer. And their peak absorption is 700 nanometer. तो पीएस वन का हमेशा जो रिएक्शन सेंटर होता है, पहचानने का आसान सा तरीका है, तो पीएस वन मतलब 700 नैनोमीटर, और जब पीएस टू लिखाएंगे तो उसमें 680 नैनोमीटर, ये बात आपको याद रखना। और किसके बेसिस पर, तो रिएक्शन सेंटर के बेसिस पर, और रिएक्शन सेंटर हमेशा पीक एब्जॉर्प्शन को लेता है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट कहां तक, किस मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट को यह एब्जॉर्ब करता है, तो इसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर के लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना मैक्सिमम है, तो 700 नैनोमीटर के लाइट तक को यह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मैक्सिमम पिक, यानी इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा ये एक्साइटेड होते हैं कौन, रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल। और पीएच टू का जो रिएक्शन सेंटर है सबसे ज्यादा कहां पर ये एक्साइटेड होता है, तो 680 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए उसको 680 भी बोलते हैं। तो पीएस टू को डायरेक्ट आप 680 से भी इंडिकेट कर सकते हैं और पीएस वन को डायरेक्ट 700 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पिक 700 पे दिखाता है और वो मैक्सिमम पिक 680 नैनोमीटर पे दिखाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। जब हम लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करेंगे,
आपको इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन का, दो तरह का फॉस्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे और फोटो हम लोग अभी यहां पढ़ेंगे, और दो तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो तरह के होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और इसी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हम लोग पूरा देखेंगे पीएस वन और पीएस टू का रोल। तो ये सब अभी जो है ये सब चल रहा है, ये मालूम है क्या है, भूमिका है, मतलब ये कहानी स्टार्ट है। मूवी जब देखने जाते हैं तो ट्रेलर दिखाता है ना, तो अभी तक हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं, अभी मेन पिक्चर और फिल्म बाकी है। जब फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज द मेन पिक्चर। तो उस पिक्चर को समझने के लिए यहाँ पर ये जो है ना वो कास्टिंग चल रही है कि क्या क्या अभी उसके अंदर आने वाला है, तो वो सारी चीजों को पहले बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। अब लिखेंगे PH2, चलो PH2 कल लिखाऊंगा। चेहरे पर ऐसी खुशी लौटती है ना जहां कल वर्ड आता है तो पूछो मत, लगता है कि बस 130 से इंतजार करते रहते हैं कि कब ये वर्ड आएगा, कल है ना। और जैसे ही ये सुनते हैं वर्ड तो लगता है हाँ जान बची तो लाखों पाए, आज भर जिंदा तो लौट ही जाएंगे, कल का कल देखेंगे, कोई बात नहीं है। पूरी चीजों को रिवीजन करके आइएगा तो कल स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें से अगर कुछ भी दिमाग में से मिसिंग हुआ तो पूरा का पूरा मिस हो जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए सावधान। तो कल यहां तक कि एपिसोड में जितनी भी बातें हुई हैं वो पूरा देख करके आना होगा, नहीं तो अगला एपिसोड में क्या कहानी चलेगी वो नहीं समझ में आएगा।
मटर होगा, बदला दिया जाएगा, क्या होगा नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आज के इस एपिसोड को एकदम अच्छे से पूरा सीन क्लियर कर देगा, तब कल की कहानी चलेगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, चलो।